कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ एंड द अदर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, आर द वेलोसिटी इज इक्वल? तो एक कार 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, ओके मैंने इसको मान लिया ए कार है, 60 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है, जे कैब डायरेक्शन है। दूसरी कार ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, वी बी वैक्टर मान लिया, बी कार मैंने मान ली, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आर आई कैप। आर द वेलोसिटी इज इक्वल? नो, वेलोसिटीज जो है इक्वल नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर अनइक्वल, बिकॉज द डायरेक्शन इज नॉट सेम। इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए दोनों वेलोसिटीज डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ नो विच वन इज ग्रेटर? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेश्चंस इररिलेवेंट एक्सप्लेन। अब ये जो सेकेंड पार्ट है इसको एक बार दोबारा रीड करिए, इफ नो विच वन इज ग्रेटर। हमने यहां पे आंसर करा कि वेलोसिटीज इक्वल नहीं है, किस बिहाफ पे? डायरेक्शन के बिहाफ पे, ओके। लेकिन ये कह रहा है नो विच वन इज ग्रेटर, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है, इररिलेवेंट है, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन पे या मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। तो मैंने जो यहां पे आंसर दिया है कि वेलोसिटीज इक्वल नहीं है, वो इस बिहाफ पे दिया है कि डायरेक्शन सेम नहीं है, हालांकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में रॉन्ग है। तो मैं कहूंगा इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेश्चंस इरेलेवेंट, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा कि यस दैट सेकेंड पार्ट इज इरेलेवेंट, बिकॉज इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, कंपैरिजन जो आप करेंगे विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो आप जो ए और बी का कंपैरिजन करेंगे मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बिहाफ पे करेंगे, इसलिए जो ये वाला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट वाला वो रॉन्ग है। थैंक यू।